हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज ट्राई करने वाली हूँ चीपेस्ट मेकअप प्रोडक्ट्स फ्रॉम मीशो। अभी ना कुछ दिन पहले मीशो पे सेल लगी हुई थी, तो उसी में मुझे एक दो मेकअप प्रोडक्ट्स दिखे। आई डोंट रिमेम्बर कि मुझे लिपस्टिक या कुछ तो दिखा था, बहुत सस्ता 30 या 40 रुपये का। तो फिर वहाँ से मेरा मन हुआ कि मैं मंगवा के देखूँ कि लाइक क्या ये प्रोडक्ट्स होते हैं। सो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आके मैंने ये ऑर्डर लगा दिया। बस चुल थी मुझे जानना था कि ये लोग क्या भेज रहे हैं। लाइक 30 या 40 रुपये की फाउंडेशन, कुछ इतने का ही कंसीलर, मतलब मेरी समझ से बाहर था कि लोग इतना सस्ता विद पैकेजिंग आपको इतना सस्ता मेकअप प्रोडक्ट भेज रहे हैं। तो सो परी करने वाली है डांस। वेरी कम डाउन बॉडी से बॉडी ना फॉर लॉकडाउन और लॉकडाउन ना ला 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 ला। ये रहे सारे प्रोडक्ट्स। मैंने सब कुछ मीशो से मंगवाया है, ब्लेंडिंग स्पॉन्ज से लेके प्राइमर टू ब्रशेस टू सेटिंग स्प्रे। तो मैं आज अपना पूरा फेस इन्हीं प्रोडक्ट्स से करने वाली हूँ। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी हूँ क्योंकि मैंने एक बार कुछ तो ऐसा प्रोडक्ट यूज़ किया था जिससे मेरे को कुछ एलर्जी हो गई थी, तो मैं बहुत स्केयर्ड हूँ बिकॉज आई नो पता नहीं क्या होने वाला। तो चलो मैं सबको खोल लेती हूँ पहले, फिर हम स्टार्ट करते हैं। जेल प्राइमर। तो मैंने ब्रशेस भी ऑर्डर किए थे, उसमें ब्रशेस सीधा इस कार्डबोर्ड वाले बॉक्स में ऐसे आए हैं, ना किसी पॉलिथीन में पैक्ड है, ना वो कुछ, ना ही कोई रैपिंग है इनके ऊपर। सो वो सीधा ऐसे रख के इन्होंने दिए। सो सारे प्रोडक्ट्स मैंने खोल दिए हैं। एक चीज़ मैं अभी देख रही हूँ, मैंने ना बहुत ही बड़ी हुडा ब्यूटी की एक पैलेट मंगवाई थी एंड वो इन लोगों ने कैंसिल कर दी है। सो मेरे को अपना आई मेकअप इसी में से मैनेज करना पड़ेगा। और मैंने एक हाइलाइटर मंगवाया था बहुत सुंदर बटरफ्लाई शेप का, वो भी इन लोगों ने कैंसिल कर दिया। मुझे वो चीज़ पहले चेक कर लेनी चाहिए थी, तो मैं उसकी रिप्लेसमेंट में कुछ और मंगवा लेती तो ये चीज़ ना होती। चलो कोई ना, जितने प्रोडक्ट्स हैं मैं इनसे ही शुरू करती हूँ। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्राइमर से। सो फर्स्ट वी हैव इज़ दिस प्राइमर। मैं अपना पूरा स्किन केयर कर चुकी हूँ और ये सिर्फ 27 रुपीज़ का है। जब मैंने मंगवाया था तो मुझे 30 रुपये का मिला था। एंड यहाँ पे लिखा है जेल प्राइमर अप टू 24 आवर मैट फिनिश ऑयल फ्री। सो इसको लगा के देखते हैं कि ये कितना मुझे मैट फिनिश देता है। ओ यहाँ पे वाओ, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि ऐसे सील होके आएगी। सो अभी तक तो ये मुझे ठीक लग रहा है। सो मैं इसको अप्लाई करके देखती हूँ। मैं पहले अपने हाफ फेस पे लगाती हूँ सो दैट हम लोग को वो डिफरेंस दिखे। जब मैंने इसको निकाला तो मुझे लगा कि ये शायद मैट फिनिश दे देगा, बट फेस पे लगा रही हूँ तो ये मुझे ऐसा लग रहा है मैं पानी लगा रही हूँ। लगाते ये बिल्कुल पानी जैसा हो गया। सी, आई होप आपको दिख रहा हो, मैं यहाँ पे लगा के दिखाती हूँ। सी ये कैसे पानी जैसा हो गया। हे भगवान, मेरी स्किन की रक्षा करना, मैं बहुत डरी हुई हूँ। मैं अपने आईज के पास नहीं लगाऊंगी। कोई मैट फिनिश नहीं है। जो एक प्राइमर का काम होता है आपके पोर्स थोड़े से लेस विजिबल बनाना, स्किन को प्रिपेयर करना फॉर दी फाउंडेशन, स्किन को थोड़ा स्मूथ बनाना, वो इसने बिल्कुल नहीं किया। इसने उल्टा ऐसा कर दिया जैसे मैंने पानी लगा लिया मुँह पे। सो ये आप मत मंगवाना, दिस इज़ अ फेल। हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन से। फाउंडेशन की तो बहुत फनी स्टोरी। मैं अपने शेड की फाउंडेशन ढूंढ रही थी लाइक सबसे कम रुपीज़ में जो मुझे मिल जाए, तो मुझे मेरी शेड की फाउंडेशन नहीं मिल रही थी। सबसे कम प्राइस में एक ही फाउंडेशन थी, वो है ये। एंड आई डोंट नो ये कौन सा शेड है, ये मेरी स्किन के साथ मैच करेगा भी या नहीं। सो चलो लेट्स ट्राई दिस। सो ये है बॉडी एंड फेस फाउंडेशन, मात्र ₹45। ये सिर्फ 45 रुपये की फाउंडेशन है। हाय हाय, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है ग्लू की बोतल। हे भगवान, अब तो मुझे सच में डर लग रहा है। मैं अभी से बता सकती हूँ कि मेरे स्किन शेड से बहुत ज़्यादा लाइट है। आज का मेकअप फेल होने वाला। मुझे मेरे शेड की सस्ते में कोई फाउंडेशन मिल ही नहीं रही थी, और सिंस हम लोग आज चीपेस्ट मेकअप ट्राई करने वाले हैं फ्रॉम मीशो, तो अब मुझे ये ही लगानी पड़ेगी। और ये बहुत ही रनी सा टेक्सचर है इसका। जब मैंने इसको निकाला तब मुझे लग रहा था कि काफ़ी थिक है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने जो प्राइमर लगाया ये उसकी वजह से ऐसे पानी पानी टाइप फील दे रही है या इसका टेक्सचर भी ऐसा ही है। आई डोंट नो।
सो मैं इसको ब्लेंड करने वाली हूँ यूजिंग ब्लेंडिंग स्पॉन्जेस, और ये इतने सारे आए हैं 48 रुपीज़ के, ये आई गेस किसी के साथ फ्री आया है। सो मैं इसी में से यूज़ करने वाली हूँ। एक स्पॉन्ज मैं निकाल लेती हूँ पहले इसको। सो मैं ये यूज़ करूँगी, पर यहाँ पे फटा हुआ सा और गंदा सा हो रहा है, सो मैं ये यूज़ नहीं करूँगी, मैं कोई क्लीन सा निकालती हूँ, मैं ये यूज़ करूँगी, आई यूज़ दिस वन। मैंने इस ब्यूटी ब्लेंडर को थोड़ा सा डैम्प कर लिया है, अब मैं इससे ब्लेंड करके देखती हूँ। लेट्स सी, ये मैं जैसे जैसे ब्लेंड कर रही हूँ ये ऐसे गायब हो रही है, सी जैसे मैंने कुछ लगाया ही ना हो। आई थिंक कुछ दिख नहीं रहा, कुछ दिख ही नहीं रहा है मुझे, तो मैं थोड़ी सी और लेती हूँ और लगा के देखती हूँ, फिर मे भी शायद कुछ दिखे। सो ये मैंने बहुत सारी ली है, लेट्स सी अगर अब कुछ हो पाता है। यही फाउंडेशन है मेरे गोरेपन का राज, अगर आप लोग जानना चाहते हो कि मैं इतनी गोरी कैसे दिखती हूँ, तो सिर्फ इस फाउंडेशन की वजह से। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैंने इतनी सारी लगा ली, मेरे को तो मे बी स्पॉन्ज में तो नहीं वो घुस जा रही, मैं हो सकता है कि सारी गलती फाउंडेशन की ना हो, इसकी भी हो सकती है। मैंने सोचा लेट्स ट्राई ब्लेंडिंग दिस यूजिंग माई हैंड्स, बट सी कुछ नहीं हो रहा है, ये ब्लेंड नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, मुझे नहीं समझ आ रहा। सो मैं इसको बिहाइंड द कैमरा कुछ करके स्पॉन्ज से थोड़ा सा सेट करके देखती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कंसीलर की तरफ, और ये मैक का फेक कंसीलर है, सिर्फ 38 रुपीज़ में आपको मैक का कंसीलर मिला, आपको और क्या चाहिए। छी पता नहीं यूज्ड है या क्या है, इसको तो मैं लगाने का मन भी नहीं कर रहा। मैंने एक और कंसीलर मंगवाया, मैं वो देखती हूँ, इसको तो मैं यूज़ भी नहीं करना चाहती। मैंने मंगवाई थी ये कॉन्टूअर स्टिक, इसमें था लाइक कॉन्टूअर कंसील एंड हाईलाइट। सो मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ये दोनों साइड से बहुत ही डार्क से ब्राउन शेड्स है, मैं किधर से हाईलाइट करूँ किधर से कंसील करूँ। और ये है 51 रुपीज़ की, यहाँ पे तो उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ था, तो मुझे लगा मे बी शायद ये हेल्पफुल होगी, बट आई थिंक अब मुझे उसी कंसीलर पर ही जाना पड़ेगा। सो मैं इसको अपने फिंगर्स पर लेके, ये तो और बुरा हाल है इसका गाइस, सी मुझे ऐसा लग रहा है मैं इसको लगाऊंगी तो ये उस फाउंडेशन को भी क्लीन कर देगा। सो लेट्स स्किप दिस स्टेप, हम ये लगाते ही नहीं, छोड़ो। सो मैंने मंगवाए थे ये मेकअप ब्रशेस, ये 275 रुपीज़ के हैं, एटलीस्ट ये एक पाउच में तो आए ये और ये कुछ ऐसे हैं। सो ये आते हैं 13 पीसेस, जिसमें से सिर्फ एक ही ऐसे कवर्ड है, बाकी सारे आपको ऐसे खुले मिलेंगे, बट एटलीस्ट ये उस पाउच में आए तो उसको फिर भी मेरा यूज़ करने का मन कर रहा है। तो चलो मैं अब स्टार्ट करती हूँ विद दी फेस पाउडर। सो ये फेस पाउडर है फिट शाइन, और ये सिर्फ 39 रुपीज़ का है। यहाँ पे फ़ोटो बिल्कुल ही अलग थी, और ये कुछ ऐसा सा आया है, एंड खोलने के बाद ये कुछ ऐसे, इसी में आपको मिलता है ये पत्थर जैसा स्पॉन्ज, जिससे आप बिल्कुल भी कुछ नहीं लगा सकते हो कहीं भी। ये ऐसे उड़ रहा है, ये बहुत उड़ रहा है गाइस, और बहुत ही तगड़ी स्मेल है इसमें, कैसे बताऊँ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी स्मेल है। अगर आपको जिनको स्मेल से इश्यूज होते हैं जैसे मुझे, उनका तो सर दर्द ही हो जाए, इसमें इतनी तेज़ मुझे स्मेल आ रही है। छी लेट्स स्टार्ट विद द आईज नाउ। मैंने ये ब्लशर किट मंगवाई थी, मैं इसी से सोच रही हूँ अपना आई मेकअप करूँ। ये 82 रुपीज़ की है, हाईली इंटेंसिव एंड प्रोफेशनल ब्लश पैलेट विथ 4 अट्रैक्टिव शेड्स। यहाँ जो शेड्स हैं शेड्स उससे बिल्कुल ही अलग आए हैं, बट गुड थिंग इज़ दैट कि इसमें मुझे डार्क शेड मिल गया जिससे मैं अपना आई मेकअप कर सकती हूँ, थोड़ा सा पिंक एंड थोड़े से ये शिमर कलर्स मिल गए हैं, सो इससे आई मेकअप अच्छा हो जाएगा। मुझे कोई भी तमीज़ का ब्रश नहीं मिल रहा जिससे मैं अपना आई मेकअप करूँ, और ये चार ब्रश तो ऐसे पैक होकर भी नहीं खुल रही आज, तो इन्हें तो मेरा यूज़ करने का मन ही नहीं कर रहा है। मैं इस ब्रश से ट्राई करूँगी, बहुत ही लाइटली पिगमेंटेड, आपको बहुत सारा लेना पड़ेगा तब जाके वो दिखेगा। सो आई स्टार्ट विद दिस ब्राउन शेड, सी मैं कैसे घिस रही हूँ तब वो थोड़ा सा दिख रहा है। एक दूसरा ये जो पिंक शेड है, मैं सोच रही हूँ मैं इसको थोड़ा सा साइड्स पे लगा के देखती हूँ, सी आप ये देखो, आप देखो गिर कैसे रहा है, ये इतना ज़्यादा ये फॉल हो रहा है, ये तो देख, ये बहुत ही फ्लोरोसेंट सा अजीब सा पिंक है, इससे अच्छा तो वो ब्राउन ही लग रहा था। सो मैं इसको यहीं छोड़ के मैं ये शिमर अपने लिड्स पे लगाऊंगी, शायद से थोड़ा सा लुक आ जाए। ओ शिमर का पिगमेंट नो डाउट अच्छा है, सी शिमर काफ़ी पिगमेंटेड है,
डार्क ब्राउन शेड से मैं अपने आई ब्राउज करने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज ब्राउ पेंसिल शायद मैंने मंगवाई नहीं है और शायद थी भी नहीं, मैं ढूंढ रही थी तो. सो इसी से आई ट्राई डूइंग देम. नहीं यार ये मैच नहीं करेगा, दिस इज नॉट वर्किंग फॉर माई ब्राउज. सो मेरी फाउंडेशन इतनी लाइट, उसके हिसाब से मेरा कॉन्टूअर इतना डार्क, तो इसके अलावा मैं काफ़ी ब्लेंड करने के बाद भी ऐसा ही हो रहा है. सो इसके अलावा आई कांट हेल्प इट, ये इतना ही रहेगा. लेट्स अप्लाई ब्लश. ब्लश की वही पैलेट है, मैं ब्लश लगा लेती हूँ. और ब्लश की सिर्फ एक यही शेड मुझे समझ आ रही है और ये मेरे ऊपर इतनी गंदी लगने वाली है ना, मुझे अभी से ही समझ आ रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है वो वीडियोस नहीं आती है आई वेंट टू वर्स्ट मेकअप आर्टिस्ट फॉर दिस मेकअप, मुझे ऐसा लग रहा है मैं खुद वो वर्स्ट मेकअप आर्टिस्ट बन गई, मेरा चेहरा मुझे इतना गंदा लग रहा है इस वक्त. ला 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 ला, आई डोंट नो गाइस मेरा क्या हाल होने वाला है. पीयू माई दोनों यहाँ बैठ के तब से हंसे जा रहे हैं मेरे ऊपर. नाउ हाइलाइटर, आइकॉनिक लंदन इल्यूमिनेटर. ये क्या है? नहीं ये हाइलाइटर की तरह काम तो कर रहा है गाइस, नॉट बैड. पर ये बहुत ही गंदा फॉर्मूला है ये. इसको मैं इसी से यहीं पे इसको चिपका देती हूँ ताकि ये और ख़राब ना करे. इस हाइलाइटर का प्राइस यहाँ पे 99 लिखा है तो मुझे इससे थोड़े से होप्स थे, प्लस बोतल वगैरह देख के इसकी पैकेजिंग वगैरह देख के मुझे लग रहा था कि शायद ये अच्छा काम करेगा. बट आई डोंट नो इन लोगों ने क्या फॉर्मूला यूज़ किया है, वो अच्छे से स्टिक ही नहीं हो रहा है वो स्किन पे, वो अलग सी पैचेस दिख रहे हैं. सो वो चीज़ मुझे आई डोंट नो इसकी समझ नहीं आई, यहाँ पे पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है. मैं पूरा आँखों में लेंस वगैरह लगा के बैठी थी इसीलिए कि ऐसा ना हो कि लेंस की वजह से लुक कम आ रहा हो, तो मैंने सोचा मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी अपनी साइड से. बट जब मैंने प्रोडक्ट्स अपने ऊपर लगाने शुरू किए तो मुझे मेरा सारा दिल टूटता चला गया. मेरे लिटरली मेरा मन नहीं कर रहा मैं नीचे जाके अपने ब्राउज भी करूँ, सो वो भी मैं स्किप कर रही हूँ. सो लिपस्टिक में मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो ये है, ये 5-in-1 मुझे नहीं समझ आ रहा रेनेस की कॉपी है या ये रहने की कॉपी है. इसमें 5 अलग अलग शेड्स हैं ये, और एक दूसरा मैंने मंगवाई थी ये 145 रुपीज़ की है, बहुत ही चटक पिंक शेड. ये शेड भी अच्छा लग रहा है, यही लगाऊंगी मैं मरून कलर में. आपको बहुत ताकत की ज़रूरत है इसको लगाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत प्रेशर मार रही हूँ तब जाके मैं इसको अप्लाई कर पा रही हूँ. अदरवाइज शेड अच्छा लग रहा है, बहुत ही अजीब सी स्मेल है इसमें भी. आपको बहुत ताकत की ज़रूरत है, सो अगर आपको इसको अप्लाई करना है तो आप जिम वगैरह जाना शुरू कर दो. एंड दूसरी लिपस्टिक ये मैंने इसलिए नहीं लगाई क्योंकि इसमें मुझे प्रोडक्ट बहुत कम लग रहा है, ऐसे ऐसे करके मैं निकाल रही हूँ तब कुछ निकल रहा है, तो शायद ये पहले से ही ख़त्म हो के आई है. ये लिपस्टिक मुझे फिर भी ठीक लगी. सो लास्ट है ये मेकअप सेटिंग स्प्रे, मात्र 30 रुपये का. पहले मैं देखना चाहती हूँ इसमें पानी है या क्या है. मुझे ऐसा लग रहा है इसमें सच में पानी है. सी और बहुत ही गंदी सी इसमें एक स्मेल, अगर मैंने इसको अपने फेस पे लगाया ना तो मैं पानी पानी होके बैठी रहूँगी, वो ड्राई भी नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ से भी नहीं सूख रहा है. मैं थोड़ी देर वेट करती हूँ, मैं 5 मिनट बाद आपको मिलती हूँ, मैं देखती हूँ ये सूखता है या नहीं. नॉर्मली मेकअप सेटिंग स्प्रे अगर आप फैन वगैरह के सामने ना भी खड़े रहो तो लाइक विद इन अ मिनट तो सूख जाता है. सो मुझे अभी 2 मिनट हो गए और मैं लिटरली बहुत देर से इसमें फूंक मार रही हूँ, ये एज इट इज़ है. सो अगर मैंने इसको अपने फेस पे लगाया तो ये मैं ऐसे ही बैठी रहूँगी पानी पानी होके. सो इट्स बेटर मैं ये भी स्किप कर दूँ. सो गाइज ये है मेरा फिनिश्ड लुक बाय यूजिंग चीपेस्ट मेकअप प्रोडक्ट्स फ्रॉम मीशो. और लाइक जेन्युइनली बोलूँ तो मुझे एक भी प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा. लिपस्टिक स्टिल मुझे फिर भी थोड़ी सी ठीक लगी जो मैंने अभी लगाई हुई है. ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो वो चीज़ कैमरा पे इतना विजिबल नहीं हो रहा है, बट ये बहुत ही मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ऐसे पैचेस बन गए. जो भी प्रोडक्ट अप्लाई किया वो मेरी स्किन में ना एब्जॉर्ब हुआ है ना ढंग से ब्लेंड हुआ है, पता नहीं क्या वो ऐसे ऊपर ऊपर ही है.
सो वो चीज़ बहुत अजीब होती, केकी सा मेकअप मेरा लग रहा है मुझे। और मुझे एक चीज़ ये लग रही है कि लाइक ये जो फाउंडेशन या कंसीलर पाउडर या जो भी भेज रहे हैं वो काम ही नहीं कर रहा है, तो मतलब क्या फ़ायदा फिर ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने का? आप किसी की स्किन ख़राब करोगे और लाइक जो उस प्रोडक्ट का काम है वो भी नहीं कर रहा है। सो मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आई, मेरे समझ से बाहर है। इसमें से कोई एक भी प्रोडक्ट आप लोगों को बिल्कुल रेकमेंड नहीं करती हूँ। इसमें काफ़ी प्रोडक्ट्स पर तो अच्छे से ये भी नहीं लिखा कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, लाइक किस चीज़ से ये बने हैं। और मुझे खुद भी बहुत डर लग रहा है, मैं तो तुरंत जाके अपना फेस वॉश करने वाली हूँ। फाउंडेशन वगैरह सब इतना गंदा था। मैं दिस वीडियो होली वॉज फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज़। मुझे लगा था कि मे बी शायद मुझे एक या दो प्रोडक्ट मिल जाए जो मैं आप लोगों को रेकमेंड कर सकूँ, बट मुझे कुछ भी नहीं मिला। सो होपफुली गाइज आप लोग को वीडियो ये एंटरटेनिंग लगी हो, अच्छी लगी हो, हंसी आई हो देखिए, क्योंकि इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। सो चलो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय। मुझे तो अभी से इतनी अजीब सी इरिटेशन हो रही है स्किन में। बाय गाइज, मैं तो जा रही हूँ मुंह धोने। बाय बाय बाय।